देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। रविवार को उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में कलावती इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय सम्मान विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री राव आसरे विश्वकर्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया। राम आसरे विश्वकर्मा ने समाज के लोगों से सवाल करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने विश्वकर्मा समाज पर अत्याचार व झूठे मुकदमे के सिवाय और क्या दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने भगवान विश्वकर्मा जी के पूजा दिवस का अवकाश घोषित करने का काम किया था, लेकिन विश्वकर्मा विरोधी बीजेपी सरकार ने उस अवकाश को भी समाप्त करने का काम किया है। बीजेपी सरकार ने विश्वकर्मा समाज को एमएलसी व मंत्री बनाकर सम्मान तो नहीं दिया, बल्कि इसके उल्टे विश्वकर्मा समाज का उत्पीड़न व झूठे मुकदमे कराने का काम किया। नेताजी जो आज महासभा किया है, क्या है प्रकरण, क्या ये विश्वकर्मा समाज का सम्मेलन है और सम्मेलन के माध्यम से विश्वकर्मा समाज को जागरूक भी कर रहे, संगठित भी कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, गुमराह किया, वोट लिया, सरकार बनाई, लेकिन कुछ दिया नहीं, न नौकरी दी, न रोजगार दिया, न अधिकार दिया, न सम्मान दिया। दी तो महंगाई दी, बेरोजगारी दी, बेरोजगारी दी, बेबसी दी, लाचारी दी, अपमान दिया, लगातार लोग अपमानित हो रहे हैं। विश्वकर्मा समाज के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न बढ़ा है, न तो बीजेपी की पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, न तो सरकार कोई सुनवाई कर रही है। तो हम सबको सावधान करने आए, कम से कम समाजवादी पार्टी की सरकार में, चाहे माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विश्वकर्मा समाज का सम्मान भी बढ़ाया गया, भागीदारी भी दी गई, हमें मंत्री भी दो दो बार बनाया गया, दो दो बार विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया, विधायक भी बनाया गया। तो समाज की आवाज़ उठाते थे, समाज के लोगों को नौकरी रोजगार से जोड़ने का काम करते थे। इसमें बीजेपी सरकार में न कोई मंत्री है, न विधायक है विश्वकर्मा समाज का, तो विश्वकर्मा समाज की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए हम कहने के लिए आए हैं कि अगर भागीदारी कोई दे सकता है सत्ता सरकार में, तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। इसलिए सब लोग समाजवादी पार्टी को जिताएं, हमारा गठबंधन है लोकदल से, समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन को जिताएं और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। तो नेताजी इस बार सपा का क्या रहेगा, क्या पूरा प्रकरण रहेगा? समाजवादी पार्टी 351 से ज़्यादा सीटें जीत करके बहुमत की सरकार बनाएगी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।